अस्सलाम वालेकुम। आज के जो हमारा लेक्चर है वो फोर्स फोर्स होती क्या है। फोर्स हमारे पास किसी चीज़ को हम वो एनर्जी जो किसी चीज़ को हरकत देने या हरकत देने की कोशिश करने या किसी चीज़ की हरकत करती किसी हरकत करती हुई या मोशन करती हुई चीज़ को रोकने या उसे रोकने की कोशिश करती है। फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये पड़ा हुआ है रस में, ठीक है। अब ये मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये अब पुश कर रहा हूँ इसे। अब ये जो इसे पुश कर रहा हूँ ये फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। अब ये देखो बोर्ड मार्क पड़ा हुआ था, अब ये हमारे पास मूव कर रहा है। ये जो हम एनर्जी इस पे लगा रहे हैं ये हमारे पास फोर्स कहलाएगी जो इसे हरकत दे रही है। अब कोई जिसम ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं जब इसे पुश कर रहा हूँ तो अब ये इसने हरकत करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह अब कोई चीज़ हरकत करती हुई आ रही है, उसको रोकने के लिए जो हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास फोर्स कहलाती है, ठीक है ना। इसलिए फोर्स की डेफिनेशन ये है कि एनर्जी दैट द एनर्जी ऑफ अ बॉडी विच ट्राई टू मूव्स एर या मूव्स बॉडी स्टॉप्स टू आर ट्राई टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। कोई ऐसी एनर्जी जो किसी जिस्म को हरकत देने या उसको हरकत देने की कोशिश करने या किसी चीज़ की मोशन को रोकने या उसकी मोशन को रोकने की कोशिश करने को फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल, अ बॉय पुशिंग द कार्ट मूव। एक लड़का है जो कार्ट मीन ठेला, एक लड़का है जो किसी ठेले को पुश कर रहा है, हर को पुश कर रहा है, तो वो जो कार्ट है वो मूव करेगा, हरकत करेगा। आपने देखा होगा कि रेडी रेडी लगा के जा रहे होते हैं, वो रेडी को धकेल रहे होते हैं तो रेडी मूव कर रहे होते हैं। अब वो जिस धकेल रहे होते हैं वो जो एनर्जी लगा रहे होते हैं वो हमारे पास फोर्स कहलाती है। उस फोर्स की वजह से वो रेडी मूव कर रही होती है, ठीक है। अब इसके एक और एग्जांपल है, अ बैट्समैन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉल बाय पुशिंग इट विद हिज बैट। एक बैट्समैन है, उसकी तरफ एक हरकत करते हुए बॉल आ रही है। अब वो अपने बैट से उसे हिट करता है, जैसे ही वो अपने बैट से उसे हिट करता है तो उसकी तरफ जो बॉल आ रही थी वो अब बाउंड्री की तरफ जाके चौका लग जाता है या छक्का लग जाता है। अब ये जो उसने पुल किया उस बैट से बॉल को, तो उसने एक फोर्स लगाई जो उसकी तरफ बॉल आ रही थी, उसने उसकी मोशन की जो डायरेक्शन थी उसे चेंज कर दिया, उसने बैट से पुल करके पुश करके। वो जो उसने पुश किया ना, वो एक बैट से अपनी जो एनर्जी थी वो एनर्जी से उस बॉल को हरकत दे दी दूसरी डायरेक्शन में, जिससे उसके छक्का या चौका हो गया वो। इस तरह अब अ फोर्स मे नॉट ऑलवेज कॉज अ बॉडी टू मूव। लाजमी नहीं है कि हम किसी चीज पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो चीज हरकत करे। अब फॉर एग्जांपल एक लड़का है, अब एक गाड़ी खड़ी है, ट्रक खड़ा है, उसे धकेल रहा है लेकिन वो हरकत नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो जो फोर्स लगा रहा है उसकी फोर्स उस ट्रक से कम है, जो वो उसका मास बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से वो हरकत नहीं कर रहा। अब एक लड़का है जो दीवार को ऐसे पुश कर रहा है, क्या वो दीवार हरकत करेगी? नहीं करेगी। वो कोशिश तो कर रहा है, वो फोर्स अप्लाई कर रहा है लेकिन वो दीवार मूव नहीं करेगी। इसलिए कहते हैं कि फोर्स लाजमी नहीं कि फोर्स लगाएं और जिस्म कोई भी जिस्म जिस पे वो फोर्स लगा रहे हैं वो हरकत करना स्टार्ट कर दे। ये उस जिस्म पे है, उस बॉडी पे होता है, वो बॉडी कैसी है, हैवियर है या लाइट, मतलब वो ज्यादा वजनी है या कम हल्की है, वो उस लिहाज से हम देखते हैं। अब मैं एक दीवार पे ऐसे फोर्स लगाना स्टार्ट कर दूं और मैं कहूं भाई ये दीवार मूव कर रही है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, ये दीवार मूव नहीं करेगी, क्योंकि हम जितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसे कहीं ज्यादा हैवी है, उसे कहीं ज्यादा ये वजनी है, हम इसको धकेल नहीं सकते। इसको धकेलने के लिए एक खास लिमिट फोर्स की जरूरत है जो हमारे पास नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल, अ बॉय इज पुशिंग अ वॉल एंड इज दस ट्राई टू मूव इट। अब वो एक दीवार को धकेल रहा है, धकेलने की कोशिश कर रहा है, वो दीवार बिल्कुल हरकत नहीं करेगी। अब एक गोलकीपर हो गया, एक गोलकीपर है, किसी ने गोलकीपर की तरफ एक बॉल फुटबॉल आ रही है, अब वो उसे हरकत को रोकने के लिए एक फोर्स अप्लाई करता है, जैसे बॉल उसकी तरफ आती है वो ऐसे बॉल को रोक देता है। वो जो अब उस बॉल को रोकने के लिए जो उसने एनर्जी यूज की वो उसकी फोर्स है।
इसलिए फोर्स हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हम फोर्स अप्लाई करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। अब ये बोर्ड मार्कर है, अब ये ऐसे अब मैं इसे जब ऐसे उठाऊंगा तो मैंने फोर्स इस्तेमाल की इसे उठाने के लिए। पहले तो रेस्ट में था, जैसे मैंने यहाँ से ये उठाया अब ये मूव करता हुआ आया, ठीक है ना। सर फोर्स सिंपल है, अब फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को, अब आप एक बाइक को ले लें, बाइक आप बाइक को धकेलें तो बाइक आसानी से आपसे धकेली जाएगी। अगर आप वही फोर्स अप्लाई करें किसी कार पे तो कार आपसे नहीं धकेली जाएगी, बाइक की निस्बत आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी कार पे। अब गोलियोलो एक साइंटिस्ट था, उन्होंने कहा था भी हम लाइट चीजों को आसानी से फोर्स आसानी से मूव करा सकते हैं फोर्स लगा के, जबकि हैवियर को हम इतनी आसानी से मूव नहीं करा सकते। अब जितनी फोर्स हम लाइट चीजों पे, मतलब हल्की कम वजन वाली चीजों को जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो आसानी से मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। अगर वही फोर्स हम किसी हैवी चीज यानी कि ट्रक हो गया, कोई कार हो गई या बड़ा ट्राला हो गया, अब वही फोर्स हम उस पर अप्लाई करें तो वो चीज हरकत नहीं करेगी, क्योंकि हमारी फोर्स सिर्फ उन लाइट चीज के लिए ओवरकम कर जाती है जिसकी वजह से वो मूव करते हैं। अब हमारी वो फोर्स उसकी निस्बत कम है ट्रक की निस्बत, क्योंकि हमारी फोर्स सिर्फ लाइट चीज के लिए थी, हमने जितनी फोर्स लाइट चीज पे अप्लाई की हल्की चीज पे तो वो चीज हरकत करेगी, ना कि अब हम वही फोर्स ट्रक पे लगा रहे हैं ट्रक हरकत करेगा, नहीं, क्योंकि वो ज्यादा वजनी है, हमें उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करने की जरूरत है जितना उसका वजन है, तो इसलिए हम वो चीज हरकत नहीं करेगी, वो अपनी चीज जगह पे रहेगी जब तक कि हम उसके वजन से ज्यादा उसकी फोर्स अप्लाई ना करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही टॉपिक था, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आप सबको आसानी से समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।